आज का हमारा विषय है प्लानिंग इन इंडिया, भारत में नियोजन। तो आप ये देखेंगे कि हमने जो चार्ट आपके समझ बनाया है, सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करना है। आप जो इस मानचित्र में चार्ट देख रहे हैं, भारत में नियोजन प्लानिंग इन इंडिया। नियोजन भारतीय संदर्भ में समवर्ती सूची का विषय। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश एक संघात्मक प्रणाली का देश है। संघात्मक का अर्थ है दोहरी सरकारी व्यवस्थाएं, जैसे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। संविधान की सातवीं अनुसूची में दोनों सरकारों के लिए विषय का बंटवारा किया गया है। सेवन शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रिसिविल। तो योजना या नियोजन हमारे संवैधानिक रूप से समवर्ती सूची या कॉन्क्रीट लिस्ट है, जिसका अध्याय होता है कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों अपने स्तर पर नीतियां बना सकते हैं, दोनों विषय में प्रशासन कर सकते हैं। किंतु ये उल्लेखित बात का ध्यान रखेंगे कि जो समवर्ती सूची के विषय होते हैं, अगर एक समान दोनों के कानून है तो उसमें केंद्र का कानून को प्राथमिकता देते हैं। अब आपने चार्ट में देखा भारत में नियोजन कौन सी सूची का विषय है, समवर्ती सूची। आगे देखिए भारत में, भारत का योजना है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। आजादी के उपरांत कैसी नियोगी समिति की अनुशंसा पर 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। भारत का योजना आयोग प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया तत्कालीन यूएसएसआर अर्थात यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ रशिया की संस्था गॉस प्लान के तर्ज पे स्थापित किया है। आपके लिए एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि भारत में नियोजन या फाइव-ईयर प्लान हमने किस देश की शासन प्रणाली से ग्रहण किया है। तो ये हमने पूर्व सोवियत संघ, जिसे हम वर्तमान में रूस कहते हैं, जिसे उस समय यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ रशिया कहते थे, वहां की शासन प्रणाली से लिया गया। रूस में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ हुआ तो वहां के राष्ट्रपति कौन थे, जोसेफ स्टालिन। भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया किस संस्था की तरफ स्थापित किया गया, एशियन नियोजित समिति की अनुशंसा पर रूसी संस्था गॉस प्लान की तरफ स्थापित। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को स्थापित हुआ, जिसका मुख्य कार्य देश के संसाधनों का अनुमान लगाना, प्रोजेक्शन ऑफ द रिसोर्स ऑफ इंडिया, और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार एक्शन प्लान तैयार करना, जिसे हम फाइव ईयर प्लान कहते हैं। योजना आयोग निस्संदेह 1950 से 2014 तक प्रभावशाली रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। 65 वर्ष तक देश के विकास में पंचवर्षीय निर्माण योजनाओं के निर्माण में और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका रही। किंतु यह उल्लेखनीय है कि 2014 में केंद्र में सरकार का परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र दामोदर दास मोदी नए प्रधानमंत्री। मोदी जी 2014 से पहले 12 वर्ष तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि राज्य के अधिकार क्षेत्र केंद्र का अनावश्यक दखल और केंद्र योजना आयोग के माध्यम से राज्यों की संवैधानिक व्यवस्था इंटरफेयर। इसलिए मोदी जी ने निर्णय लिया कि 31 दिसंबर 2014 से योजनाएं को समाप्त कर दिया जाए। उसके जगह एक नई तकनीकी विशेषज्ञ समन्वयकारी संस्था के रूप में नीति आयोग की स्थापना की जाए। नीति आयोग वर्तमान में, आप ये ध्यान रखेंगे, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, उसकी जगह वर्तमान में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपारेंट इंडिया, जिसे हम नीति आयोग। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में है। नीति आयोग एक तकनीकी विशेषज्ञ और समन्वयकारी निकाय है और जिसके विषय में कहते हैं कि यह कठोर केंद्रीय नियंत्रण रूपी संस्था है। यह राज्यों को पूरा अधिकार देता है और राज्य अपनी योजनाएं बनाते हैं, अपनी कार्यक्रम बनाते हैं और यह राज्यों को जहां मदद की आवश्यकता होती है तकनीकी विशेषज्ञ मदद उपलब्ध कराता है, तथा देश के लिए आवश्यक टारगेट तय करता है और उन टारगेट के बीच में राज्यों में प्रतिस्पर्धा और रैंकिंग करता है। अर्थात 2015 से हमारे देश की प्लानिंग मॉडल में काफी बदलाव। अब केंद्र का एक तरफा नियंत्रण देश की प्लानिंग में नहीं। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग को अस्तित्व में लाया। नीति आयोग याद रखेंगे यह वित्त मामलों से संबंधित कोई कार्य नहीं करता, जबकि योजना आयोग कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्था पर अतिक्रमण करती है।
एक तरह से आर्थिक मंत्रिमंडल या वित्त मंत्रिमंडल बन चुके। आगे भारत का योजना आयोग केसी योगी शब्द के अनुसंधान के 15 मार्च 1950 को स्थापित हुआ। 31 दिसंबर 2014 को इसे भारत सरकार ने भंग या डिजाउन किया, समाप्त कर दिया। भारत का प्रधानमंत्री योजना का पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दोस्तों योजना आयोग देश की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूपण करता था, किंतु हमारे देश एक संघात्मक प्रणाली का देश है जहां एक मजबूत केंद्र के साथ अनेक राज्य सरकार और केंद्र शासित क्षेत्र भी होते हैं और योजनाएं जो है वो पूरे देश के लिए होती है। तो अतः केंद्रीय योजना निर्माण में राज्यों की भी भूमिका होती है। तब योजना आयोग की सलाह पर 6 अगस्त 1952 एक और संस्था की स्थापना किया गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या राष्ट्रीय विकास परिषद यह वह संस्था है जिसे देश का आर्थिक मंत्रिमंडल भी कहा जाता है। इस संस्था ने भारत सरकार प्रधानमंत्री और कुछ भारत सरकार प्रधानमंत्री तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा क्षेत्र वाले केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री जैसे दिल्ली पांडुचेरी और आगामी जम्मू कश्मीर तथा केंद्र शासित क्षेत्र के लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल थे। जो योजना का प्रारूप या ड्राफ्ट प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया तय करता है बनाता है उसे अनुमोदन देने का अप्रूव करने का जवाब केंद्रीय मंत्रिमंडल या देश के संघात्मक ढांचा के सर्व संस्था के रूप में एनडीसी करते हैं। इसलिए इसे सुपर कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। कई बार परीक्षाओं में आता है राष्ट्रीय विकास परिषद के हिस्से का केंद्रीय नियोजन में एक एकीकृत संगठन जिसमें केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हो जो पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप को अपना अनुमोदन दे और उसके टारगेट तय करे, इसे हम राष्ट्रीय विकास परिषद। आगे हम देखिए तो हमें एक चीज जानना जरूरी है कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप या ड्राफ्ट तय करता है, एनडीसी पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करता है। अब जो योजनाएं बनाई गई आप सब जानते हैं कि योजनाएं हैं उसके लिए वित्तीय होना चाहिए, वित्तीय फाइनेंसिंग भी होना चाहिए। तो फाइनेंस कैसा हो एक रोचक तथ्य है हमारे संविधान निर्माताओं ने एक महत्वपूर्ण संस्था का प्रावधान किया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारत की संचित निधि या समेकित निधि का प्रावधान है। द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इसे हिंदी में भारत की संचित निधि या समेकित निधि के नाम से जाना जाता है। आपके समझ मैं एक रोचक तथ्य लिखना चाहता हूं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 265 लिखा है कि बिना संसद की अनुमति के ना तो कोई कर लगाया जाएगा और न ही एक पैसा खर्च किया जाएगा। संसद में पार्लियामेंट तो साहब देश का एक एक पैसा भारत सरकार की आएगा, चाहे वो कर से आए टैक्स से, चाहे वो शुल्क या फीस से आए, चाहे वो केंद्र सरकार की संस्थाओं का लाभांश डिविडेंड हो या विदेशी रिमिट हो, ये समस्त राशि भारत के अकाउंट में जमा होती है और इस अकाउंट को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पंचवर्षीय योजना जो प्रारूप योजना में बनाए जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद ने मंजूरी दी। अब उसके वित्तीयन की व्यवस्था कैसे की है तो इसके लिए संसद एक सर्वोच्च संस्था है भारतीय पार्लियामेंट। पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण या वित्तीयन कोषी संस्था करती है पार्लियामेंट, जिसमें मद के रूप में केंद्र का हिस्सा और राज्य का हिस्सा दोनों शामिल होते हैं। राज्य अपने स्तर पर बजट बनाता है, उसने योजना का निर्णय करता है, केंद्र अपने स्तर पर बनाता है। आपके लिए रोचक तथ्य है कि जब केंद्र सरकार अपना बजट बनाती है तो उसमें सामान्यतः दो प्रकार के आइटम होते हैं, एक गैर योजना अर्थात वह अनिवार्य खर्च जो स्थापना के रूप में होते और एक योजना जिसके तहत विकास की योजनाएं कार्यक्रमों के लिए फंड रखा जाता है। तो हमने यह देखा कि पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण कोषीय संस्था करती है, तो आपको यह याद रखना चाहिए इंडियन पार्लियामेंट या भारत की संसद। अब आप देखेंगे अगर तो क्या योजनाएं और विकास के कार्यक्रम सिर्फ दो संस्था करती है, नहीं, ये योजनाएं भारत के 8 लाख गांव की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं। गांव गांव से जिला, जिला से राज्य, राज्य से केंद्र तक जाती है और नियोजन का डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल आगे से। हमारे यहां पर अगर देखें तो योजना आयोग के बाद 1917 to 1900 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966 में गठित हुआ था, उसने सुझाव दिया था कि योजनाओं में राज्यों की भागीदारी। इसके सुझाव पे 1972 में स्टेट प्लानिंग बोर्ड का गठन किया गया, राज्य योजना मंडल ये हर राज्य में होता है। राज्य योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री। तो
कुछ राज्यों में किसी विशेष व्यक्ति को स्थापित भी बनाया जाता है। राज्य योजना मंडल राज्य की आवश्यकताओं को लेकर एक योजना बनाता है और उसका प्रारूप योजना के समक्ष केंद्रीय योजना आयोग के समक्ष रखा जाता है और उसके बाद केंद्र की योजनाएं इन योजनाओं को समाहित कर दिया जाता है और उसके लिए फंडिंग मिलता है। उससे यह हो सकता थी कि हमारे देश में योजनाएं कार्यक्रम पहले केंद्रीय लेवल पर बनती थी, फिर राज्यों को भागीदारी थी, किंतु हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने राजीव गांधी ने यह कॉन्सेप्ट दिया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बाद पंचायतों और नगरीय निकायों को स्वाधीन करना चाहिए। अंततः 1992 में हमारी संसद ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या संवैधानिक संशोधन, इसके तहत 73वां संशोधन और 74वां संशोधन, भाग 9 8 9 A जो ब्रिटिश पॉलिटी से संबंधित है उसमें एक अनुच्छेद है आर्टिकल 243 इसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड या जिला नियोजन मंडल का नियोजन समिति का प्रावधान। याद रखिएगा नियोजन में त्रिस्तरीय ढांचा है, केंद्रीय योजना, राज्य योजना मंडल तथा जिला योजना। कौन से इकलौता ढांचा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या जो कि संवैधानिक व्यवस्था है उसे हम कहेंगे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड। आपको ध्यान रहेगा जिला नियोजन मंडल इसमें इसमें राज्य सरकार का प्रभारी नगर निगम पंचायतों के प्रतिनिधि साबित होते हैं और जिला स्तर पे नगरी और ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी मांग पत्र के अनुसार जिला स्तर में योजनाओं या आवश्यकताओं का एक प्रारूप बनाते हैं जो राज्य स्तर पे जाता है और राज्य स्तर से केंद्र स्तर पे जाता है। लेकिन आपके समझ में एक महत्वपूर्ण बात है, हमारे संविधान का जब निर्माण हो तो संविधान में कहीं भी योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद आदि का प्रावधान नहीं। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह प्रावधान किया था कि केंद्र की संचित निधि द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया, केंद्र की संचित निधि में जो नेट इनकम आए, शुद्ध आय, उसमें एक निश्चित हिस्सा राज्यों को दिया जाना चाहिए। यह पैसा राज्यों को किस आधार पर दिया जाएगा, क्योंकि भारत एक राजनीतिक प्रणाली का हिस्सा दलगत आधार है। कई बार केंद्र में किसी दल की सरकार होती तो राज्यों में किसी दल की सरकार होती, इसलिए वित्त के आवंटन में भेद होना तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होना चाहिए। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया वित्त आयोग, यह एक संवैधानिक संस्था है। संविधान निर्माताओं ने संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान किया और कहा यह संविधान लागू होने से 2 वर्ष के अंदर तथा इसके उपरांत प्रत्येक 5 वर्ष में गठित किया जाएगा। यह केंद्र की शुद्ध आय में से राज्यों को दी जाने वाली राशि का फार्मूला है। आपके पास रोचक तथ्य होना चाहिए, आजादी के बाद पहला वित्त आयोग 1951 में केशव योगी की अध्यक्षता में और निगत दिनों भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन श्री अरविंद परवेलिया की अध्यक्षता में। संविधान के अनुच्छेद 280 में लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति आर्थिक मामलों के जानकार हो, एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों को मिलाकर वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होगा, केंद्र की शुद्ध आय में से राज्यों को दी जाने वाली राशि का फार्मूला तथा राज्यों की संचित निधि को किस तरह से ज्यादा उन्नत बनाया जाए जिससे राज्य वित्तीय रूप से सर्टिफिकेट हो जाए। आत्मनिर्भर, क्या आपको समझ आ रहा है वित्त आयोग का प्रावधान। लेकिन दोस्तों आजादी के बाद एक सवाल हमेशा होता है कि कौन सी संस्था है जिसने एक संवैधानिक संस्था के रिकॉर्ड क्षेत्र में अधिग्रहण किया, एनरोलमेंट किया। तो योजना आयोग एक ऐसी संस्था थी जिसने वित्त आयोग की भूमिका को गौण बना दिया और उसके मामले जैसे आजादी के बाद हमारे देश में कृषि और खाद्यान्न में काफी पिछड़े थे और लोगों का पेट भरना हमारा पहला दायित्व था, तो हमें पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि और खाद्यान्न को सर्वाधिक जोड़ दिया। अब प्रश्न ये है राज्य कुछ और सोचे, केंद्र और सोचे, तो इसमें पैसा कहां से आएगा। तो सरकार ने ये कहा राज्य अपनी आवश्यकता और हम उसे अपनी योजना में शामिल करेंगे और उन आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें पैसा देंगे। जबकि संविधान निर्माताओं ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि केंद्र थाने राज्य बन जाएगा और अपने हिसाब से राज्य को पैसा देगा। संविधान ने तो लिखा था कि केंद्र की शुद्ध आय में से राज्यों पैसा उनको दे दिया है। अब ये प्रश्न आपके विचार में है कि क्या योजना आयोग का गठन उस समय औचित्यपूर्ण था, उस समय के संदर्भ में सही था।
या केंद्र का एक स्टैंड लाइन और तानाशाही व्यवस्था चलिए जो भी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में सभा थी या तो रोचक मान लो कि 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे 2002 से 2008 तक, तो उन्होंने ये महसूस किया कि हमारे पैसे केंद्र अपने पास रख लेता है और अपने नाम से योजनाओं को चलाता है और हर जगह कहता हमने किया। तो भाई ये पैसा तो राज्यों का था, श्रेय लेने का भी राज्यों को होना चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने सबसे पहले ऐसी संस्थाएं जो थानेदार का काम करती थी, जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल देती थी, इन्हें साफ करने का निर्णय प्रधानमंत्री ने वित्त आयोग को पावरफुल बनाया और उसके सुझाव को अच्छा से लागू किया। जैसे आप सबको मालूम होना चाहिए कि 15वें या 14वें वित्त आयोग का सुझाव था कि केंद्र की शुद्ध आय में से अगर वो 100 पैसा केंद्र के पास आता है तो 42 पैसा राज्यों को सौंपा। आज भी सेंट्रल के पास जो फंड आता है उस पर 100 पैसा लगाया तो 42 पैसा वो राज्यों को उसके अनुपात में जैसा सुझाव वित्त आयोग ने दिया उनके खाते के पास कर देता है। अब राज्य चाहे जिस नाम से जो योजना चलाए ये उनका है, केंद्र अपनी योजना स्वयं आएगा स्वयं चलाएगा और राज्यों को पैसा आ जाएगा। लेकिन 2014 से पहले ऐसा नहीं, राज्यों का पैसा केंद्र अपनी योजनाओं के नाम से खर्च और राज्यों को उसमें कोई खास भागीदारी नहीं, किसी ऐसे सजात्मक ढांचे के प्रतिकूल माना। तो जहां तक इस चार्ट में हमने जो बनाया है आपको समझ आया होगा, अब आपके समझ आप ये चार्ट देखिए और बताइए इसमें क्या नहीं समझ आ रहा है, हम उसे क्लियर करें। ये चार्ट हमने जो समझाया आपको समझ आ रहा है पूरा, कौन सी लाइन है तो आपके दिमाग में नहीं समझ आ रही है पूछिए हम उसका समाधान करें। एकांशी कोई आपका डाउट है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? राज्य नियोजन बोर्ड का राज्य स्तरीय योजना से पास कुछ राज्यों में राज्य योजना मंडल का अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री पद है। लेकिन पिछले हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने अध्यक्षता भी किसी अन्य को सौंपी, लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ में राज्य योजना मंडल है। छत्तीसगढ़ में राज्य योजना मंडल का नाम स्टेट नीति आयोग कर दिया गया है, अर्थात छत्तीसगढ़ में भी नीति आयोग है और नीति आयोग है वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय। और कोई डाउट किसी को? राष्ट्रीय विकास परिषद, हाँ राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग 1992 इसे सुपर कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे योजना जो पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप है उसको अनुमोदन कर और उसमें भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र शासित क्षेत्र के लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल, ये काम कौन करता है? राष्ट्रीय विकास अर्थात केंद्रीय नियोजन में राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी सत्ता बनाई गई थी? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसी वजह से देश का आर्थिक मंत्रिमंडल या सुपर कैबिनेट ही कहा जाता है। और कोई डाउट आया आपका? कोई डाउट है जितेंद्र जी आपका? कोई डाउट? हाँ अच्छा आपको पूछना चाहेंगे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जैसी मतलब प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया मैंने तो गलत लिख दिया, पीसीआई प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। और आपको कंसोलिडेटेड फंड समझ आ रहा है? आपको ये क्वेश्चन आएगा कि कौन सी सरकारी संस्था है जिसकी भूमिका है किसी अन्य संस्था ने कब्जा कर लिया, तो आप ध्यान रखेंगे योजना। और कोई डाउट है किसी को? हाँ पहले मिलता था लेकिन वो पैसा राज्यों को नहीं दिया जाता। जैसे मान लीजिए आपका पैसा है और आपसे पूछा जाए, जैसे आपके यहाँ घर में कोई आया आपको 5,000 देगा तो मम्मा ने तुरंत देखा आपके खाते करके आपके पास रख लिया, तो क्या करेगी? तो बताना जो जरूरत हो उसके साथ सिर्फ आजादी के बाद जो पैसा राज्यों को सीधे देना चाहिए उसे ना देते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि अब ये पैसा तुम अपनी आवश्यकता उन आवश्यकताओं को हम फाइल करके शामिल करेंगे और उसके लिए पैसा दें और अगर तुम खर्च नहीं कर पाए उस जिसके लिए माना उसने खर्च नहीं किए वो पैसा वापस, ये पैसा वापस आ जाता था केंद्र के पास। और इसी को कहते हैं सनसेट लॉ और सनसेट। मान लो राज्य ने कहा मुझे इतना स्कूल खोलना है तो स्कूल के लिए पैसा दिया जाता राज्य को नहीं दिया जाता, और अगर स्कूल नहीं बने पैसा बचा रहेगा तो वापस केंद्र के पास। समानता है जब योजना देश भारत सरकार के लाने तो नाम भूमिका होता था, जैसे आप देखिएगा हमारे यहाँ योजना बनेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, अब उसमें जो फंडिंग होगी उस पूरा केंद्र सरकार थोड़ी करती है, केंद्र भी रहेगा राज्य भी रहेगा,
लेकिन श्रेय कौन लेता? केवल सखा देता। श्रेय को तो समझते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन वो भूल गए कि उसने बहुत सा पैसा राज्य को मिला। इसीलिए राज्य मांग करते थे हमारा जो पैसा हमें दे, हमारे खाते में ना, और हम अपनी आवश्यकता के अनुसार खुद ही योजना बनाएंगे, खर्च करेंगे, नहीं कर पाए तो दूसरे काम में खर्च करेंगे, लेकिन वो पैसा हमारा है। और कोई डाउट आया आपका? कोई डाउट है? नहीं समझ आ रहा मुझे? सर आपका जो सब पैसा, हाँ, आर्टिकल 265 संविधान में लिखा है कि बिना विधायिका की अनुमति से ना तो कोई टैक्स लगाएगा ना ही किसी प्रकार की कोई राशि काटी जाए। अनुच्छेद 265 संसद को यह अधिकार देता है कि वो संचित निधि में किसी नए टैक्स को जोड़ सके या वहां से कोई भी एक पैसा खर्च करने का अधिकार। इसीलिए संसद हमारे बजट के माध्यम से राशि निकालने का प्रावधान करती है। और एक बात ये ध्यान रखें, भारत में जो संचित निधि है इसकी देखरेख करने के लिए एक संवैधानिक पद बनाया गया है, उसे सीएजी कहते हैं। सीएजी यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसे वॉच डॉग ऑफ द इंडियन फाइनेंस है। ये संचित निधि का अकाउंट देखना, उसके एक एक पैसे का हिसाब रखना, देश के सरकारों के सभी समस्त खर्चों का ऑडिट करता है और अपने ऑडिट रिपोर्ट पास करता है। तो सीएजी का उल्लेख संविधान के सबसे आर्टिकल 141-151A पहला पंक्ति है पर सीएजी, और वर्तमान में कौन है? जीएस मुर्मू, जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, भारतीय सीएजी। और कोई डाउट किसी का है? बजट में समानता लंबे समय तक ये प्रावधान था कि दो प्रकार के आइटम शामिल किए जाते थे, एक प्लांट प्लांट फंड या प्लांट एक्सपेंडिचर और एक नॉन प्लांट एक्सपेंडिचर। प्लांट वो होता था जो योजनाओं के लिए पैसा रखा जाता था, और नॉन प्लांट वो था जो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर यानी स्थापना व्यय वेतन भत्ते इन सब लिए रखा जाता। आपसे कभी पूछा है केंद्र सरकार के बजट में दो मद होती है, एक मद होती है योजना का व्यय और एक होता था गैर योजना का व्यय। योजना का व्यय होता है कि एक बार फाइव ईयर प्लान का विजन पत्र पास हो गया, पंजाब ने मंजूरी दे दी तो हर साल उतनी राशि उसके लिए रहती है, ये प्लान। और कोई डाउट है किसी को? तो देखो आज हमने चार्ट में इस चीज को देखा, अगली क्लास में हम भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का एक गहन विवेचन करेंगे। हमारे देश में 1951 से लेकर 2017 12 पंचवर्षीय योजनाएं सफलतापूर्वक संचालित हैं। फिर पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर लोग कितने भी सवाल उठाएं, लेकिन इनकी भूमिका की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इन्होंने देश के विकास, संरचनात्मक विकास और एक विकसित भारत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान। अतः हम अगले क्लास में भारत की 12 पंचवर्षीय योजनाएं, वो क्या थी, कब बनी, उनका लक्ष्य क्या था, कौन सा मॉडल था, उस दौरान क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए, उसके आपको बताना है। ठीक है, थैंक्स। हाँ, तो आपको ये वीडियो क्लास लेक्चर पसंद आए आया होगा ऐसा हमें लगता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने बहुमूल्य सुझाव हमें जरूर दें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर और लाइक करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं।